देश का प्रतिष्ठित बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नई दो महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया है। सत्यसाई ऑडिटोरियम लोधी रोड में बैंक के कार्यकारी प्रबंधक राजीव पुरी ने दिल्ली आंचलिक सभी ब्रांचों के अधिकारियों कर्मचारियों की टाउन हॉल मीटिंग में दोनों योजनाओं की घोषणा की। पुरी ने सभी कर्मचारियों को बैंक के लिए समर्पित जिम्मेदार, दूरदर्शी और ईमानदार रहने का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भी सभी कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कार्यों में आए बदलाव पर विस्तार से बताया। दिल्ली से dailynewsonline.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। को देखते हुए आज एक रिव्यू मीटिंग रखा था और कईयों को अवार्ड भी दिया, जैसा आपने देखा होगा। और जो आज हम एक ये नया स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, इसका आप यदि आप देखेंगे तो इसमें नाम दिया है सेंट्रल सुरक्षित समृद्धि योजना। एक तो इसमें जितना भी पैसा आप जमा करोगे 10,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक, एक तरह का जो RDA का आप शुरू करते हो तो उसका 100 गुना राशि आपको समृद्धि के रूप में मिलेगा। और साथ ही आपको 100 गुना सुरक्षा मिल रही है उसकी लाइफ इंश्योरेंस की फ्रॉम डे वन। तो 100 गुना उसको अमाउंट मिलेगी जितना वो शुरू करेगा। यदि 1,00,000 का करेगा तो 1 करोड़ रुपया राशि मिलेगी और 1 करोड़ की उसकी लाइफ इंश्योरेंस है। सर, जिस तरीके से देखा जाए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी बात करी जा रही है और सरकार भी उसे बहुत काम कर रही है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा एक वर्ग है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चल रहा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए बैंकिंग सेक्टर ने क्या चेंज करा है आपने और किस तरीके से लेते हैं कि ये सब चीज़ें? आपने भी अभी कहा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, उसके लिए ऐसे दिन पर दिन उतने जितना फ्रॉड होते हैं तो उस तरह के तरीके भी आते हैं जी। उतना बैंक सेंसिटाइज भी करता है कस्टमर्स को भी, आप लिंक शेयर मत करो, लिंक मत खोलो, अपना OTP शेयर मत करो। और जहां तक आर्टिजल कोई भी डिजिटल कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांस रहते हैं, तो लेकिन बैंक के सिस्टम इतने मजबूत हैं, हमारे अपने सिस्टम हमने इतने मजबूत किए हैं भी कोई हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई अपना OTP शेयर कर देगा तो एक तरह का चेक साइन करके हमारे पास है। तो यदि आपने अपना डेबिट कार्ड का नंबर शेयर कर दिया, CVV नंबर कर दिया, OTP कर दिया, कोई लिंक खोल लिया, तो उससे तो फ्रॉड हो ही सकता है, लेकिन बैंक उसको इन्फॉर्म करता है, SMS जाता है, तो यदि इमीडिएटली बता देता है तो वो रुक भी जाता है। सर, अभी भी कल ही वित्त मंत्रालय की तरफ से वक्तव्य आया कि जितने भी जो नॉन बैंकिंग एसेट्स हैं जो लोग रिकवरी में नहीं ले रहे हैं उनको बराबर एक प्लानिंग बना के उनको दिया जाएगा, जो बहुत समय से रुका हुआ पेमेंट रहेगा उसके लिए, क्योंकि लोग उसमें क्या होता है डिपॉजिट जो पड़ा रहता है बैंक को, उसको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, उसमें कहीं ना कहीं CRR में कहीं घाटा होता है। तो क्या वो स्कीम है, क्या वो सही स्कीम है जो
वित्त मंत्रालय ने कल घोषणा करी उसकी? नहीं, वित्त मंत्रालय का जो आदेश है वो कई और डिपार्टमेंट के लिए भी है। जो बैंकों का ऑलरेडी 10 साल यदि पैसा इनऑपरेटिव रहता है तो वो डेफ में चला जाता है, सरकार के पास सुरक्षित रहता है। यदि वो दोबारा बैंक में लेने आता है, हम इमीडिएटली उसको पेमेंट करके फिर हम रिफंड गवर्नमेंट से लेते हैं। और अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं कि बैंक सिक्योर है और सुरक्षित है, बचत भी सुरक्षित है, किस तरीके से क्या? बैंक बड़ा एक साउंड फुटिंग पे खड़ा है, बड़ा सुरक्षित बैंक है। और 1911 से ऐसे मैंने बताया, और दिन पर दिन ये तरक्की करता जा रहा है, नई से नई स्कीम करते जा रहे हैं। ये ऐसा बैंक है जिसने बजाय सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग करने की बजाय हमने हर एक ब्रांच हेड को पावर दी है लोन सेंक्शन करने की, ताकि वो तत्काल लोन कर सके और लोन देने में देरी ना हो। वो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि जब पैसा चाहिए टाइमली मिल सके, उसके लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू।